यूनिट 3 स्टार्ट करवाई थी कल मैं आप लोगों को, ठीक यस मैम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्क्रीन पे विजिबल है ना सबको? यस मैम। क्या लिखा है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, है ना? 1930। ठीक, अब बताओ कल क्या क्या बताया था, रिवाइज किया था आप लोगों ने? नहीं क्या है तो जल्दी से पेज पलटो। देखो उसमें कुछ कुछ टर्म्स किए थे हमने, डेफिनेशंस या कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी कल मैंने आप लोगों को इससे रिगार्डिंग। याद आ रहा है कुछ? यस मैम। अब आगे देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कल। यस मैम। सेक्शन 4 वाली बताई थी ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, है ना? सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब देखो एसेंशियल एलिमेंट्स करेंगे और फीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर फीचर्स। Yes, ma'am. जब भी आपको फीचर्स निकालने हो, है ना, तो आप किससे निकाला करो अपने फीचर्स? इसमें ये डेफिनेशंस में से देखा करो कि डेफिनेशन आपको क्या बता रही है। यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर होती है क्या? प्रॉपर्टी। तो ये इसका एसेंशियल फीचर हो सकता है कि नहीं? ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। और मैंने कल बताया था जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो किस में ट्रांसफर हो रही है? गुड्स में। बताया था कि नहीं? बताओ, कल बताया था ना, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, क्योंकि जो सेलर है, जो बेच रहा है, उसके पास क्या है? गुड्स है। तो जो गुड्स उसके पास है ना, वो गुड्स वो क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। इट मींस वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है? बायर को। बताया था कल मैंने ये, ठीक है? फिर किससे लिखा है? फॉर अ प्राइस। तो आपका एक फर्स्ट फीचर से जैसे ये बन गया, समझो ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। सेकंड आपका क्या बन गया? प्राइस। तो जो टफ वाले रहते हैं फीचर्स, वो आप लोग डेफिनेशन में से निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो फीचर्स। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। और वो टू पार्टीज कौन होंगे? देखो, कॉन्ट्रैक्ट सेलर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए, देखो कोई पर्सन सिंगल खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? सिंगल पर्सन नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कितने पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं? टू पार्टीज एटलीस्ट, है ना? तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, ठीक? एक होगा बायर और एक होगा सेलर। नेक्स्ट देखो, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरीली बी गुड्स। सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट भी किसका पढ़ रहे हैं? गुड्स का। तो ऑब्वियस है कि सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या होना चाहिए? गुड्स। ये किसी ने बताया था ये पॉइंट, है ना? अभी प्लस कौन सा होना चाहिए इसमें? हाँ, इसमें याद रखना गुड्स भी, लेकिन कौन से? मूवेबल। याद रखना, इमूवेबल गुड्स इसमें अलाउड नहीं रहेंगे। समझ में आया? इमूवेबल किसमें कवर होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक? ये किसमें रहेगा? इमूवेबल के लिए ये है। और हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये कौन से गुड्स के लिए है? ये मूवेबल के लिए। आ रहा है समझ में? यस मैम। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखो दिया है, वो भी इन गुड्स। ये मैंने अभी बताया आप लोगों को डेफिनेशन में से निकाल के, फ्रॉम सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस, ठीक? ये देखो, अ प्राइस इन मनी
not in kind, should be paid or promised. मैंने बताया ना, इसके लिए एक प्राइस पे किया जाता है, किसमें, वो भी पैसे में, मनी. ठीक, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. ठीक, एब्सोल्यूट और कंडीशनल क्या होता है बताओ. ये वाला जो पॉइंट है ना, एब्सोल्यूट और कंडीशनल, ये मैंने आपको ऑफर के जो फीचर्स करते हैं ना अपन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस याद आ रहा है, किया था हमने, एग्रीमेंट का टॉपिक था. तो उस ऑफर का फर्स्ट फीचर था, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट. अगर किसी को याद नहीं है तो साथ साथ रिवीजन करते चलो. ये एब्सोल्यूट की मीनिंग क्या होगी इसमें? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, मतलब नो कंडीशंस. ठीक, तो लेकिन यहां पे लिखा है कंडीशनल, लेकिन बीच में वर्ड लिखा है और. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक तो विदाउट कंडीशन भी हो सकता है और एक विथ कंडीशन भी हो सकता है. याद रखना, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो, जैसे एब्सोल्यूट का मतलब है नो कंडीशंस, ठीक है, चुपचाप प्राइस पे करो, वो आपको गुड्स देगा. लेकिन कंडीशनल में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं, सपोज ऐसा कोई गुड्स है जो रस्का रास्ते में कुछ ड्यूरेबल नहीं हो, ब्रेकेबल चीज़ें हों, सेंसिटिव चीज़ें हों, तो जब तक उसका सेफ अराइवल नहीं हो जाएगा तब तक पेमेंट नहीं की जाएगी. ठीक है, तो कंडीशंस होती हैं, सेफ अराइवल होना चाहिए. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और वो कंडीशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट फीचर्स, इसमें बायर एंड सेलर रहेंगे. ठीक, फिर गुड्स रहेंगे, प्राइस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. नेक्स्ट देखो, हाँ अब देखो, यहां तक तो हो गया. अब बताओ, सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल. रीड करो जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तुरंत रीड करो और मेरे को बताओ आप क्या समझे इससे, सेल से और अग्रीमेंट टू सेल से. एक सेल और एक अग्रीमेंट टू सेल, आपने क्या समझा इन दोनों से? फीचर्स में ही आएंगे सेल और अग्रीमेंट टू सेल, फीचर्स में आएंगे किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के. ठीक है, देखो सेल क्या होता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930s, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर. जब सेल होगा, इट मींस जब एक्चुअल में सेल्स हो रहा है, जब एक्चुअल में सामने वाला खरीद रहा है या सेल्स कर रहा है, तो गुड्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. किससे? सेलर के थ्रू. कहां जा रहे हैं? बायर के थ्रू. लेकिन एग्रीमेंट जब बना है, तो अभी देखो कंप्लीट सेल नहीं हुआ, अभी सिर्फ एग्रीमेंट बना है कि सेलिंग होगी, अभी एक्चुअल जो सेल्स है ना वो अभी हुई नहीं है. एक्चुअल सेल्स हैज नॉट टेकन प्लेस, मतलब वो होगी. देखो सेक्शन 43 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स से क्या होता है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स is to take place at future time. देखो मैंने बोला ना, इसमें अभी actual sale हुआ नहीं है. ये देखो, ये sale हो चुका है, लेकिन उस sale को करने के लिए एक agreement बनता है. तो ये पहले agreement होगा, फिर ही क्या होगा, sale. मैंने बोला ना कि actual sales अभी हुआ नहीं, it means इसमें क्या लिखा है, is to take place at future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled. कुछ कंडीशंस होंगी, उनको फुलफिल करना होगा, तभी आगे चल के वो जो एग्रीमेंट है वो किसमें कम ट्रांसफर हो जाएगा, सेलिंग में. तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों किसका पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट है. आ रहे समझ में? अब नेक्स्ट देखो, डिफरेंस देखो दोनों के बीच का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्या दिखा रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. सेल में क्या होता है, जो ओनरशिप है गुड्स वो ट्रांसफर हो रही है
किसके पास? बायर के पास, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब एग्रीमेंट में क्या हो रहा है, अभी ओनरशिप क्या है, ट्रांसफर नहीं होगी बल्कि बाद में होगी। राइट ऑफ यूसेज, देखो जो राइट्स हैं गुड्स को यूज करने का, जो राइट्स हैं इसमें कहाँ जा रहा है, देखो द बायर हैज द राइट टू यूज द गुड्स। राइट किसके पास है? बायर के पास। ये अभी क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द बायर। इट इज डन ओनली द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। हाँ, जब गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे तब क्या कर सकेंगे, वो राइट है उसके पास कि वो गुड्स को क्या कर सके, यूज कर सके। नेक्स्ट देखो, कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच। ब्रीच मीन्स डिसमिस करना। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर पेमेंट। हाँ, जो सेलर है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, तो यानी हम किसके राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, सेल पढ़ रहे हैं तो सेलर। तो जब सेलर ने अपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए तो ऑब्वियस है ना कि वो बायर के ऊपर केस कर सकता है पेमेंट के लिए, क्योंकि देखो ट्रांसफर तो हो चुकी है ओनरशिप, तो ओनरशिप तो किसके पास है अभी, बायर के पास है। तो सेलर अगर उसको केस करेगा भी तो फॉर किसके लिए करेगा, पेमेंट। इसमें देखो, सेलर कैन सू ओनली फॉर डैमेजेस। अगर कोई डैमेज हुआ है तो सेलर उसके लिए उसको क्या कर सकता है, सू कर सकता है। नेक्स्ट देखो, ये रिस्क ऑफ लॉस क्या दिखा रहा है, रिस्क ऑफ लॉस, लॉस में बताओ, एनी लॉस अगेंस्ट द गुड्स इज बियर बाय बायर। और इसमें क्या होगा, एनी लॉस अगेंस्ट द गुड्स इज बियर बाय सेलर। क्यों? क्योंकि देखो उसमें एक्चुअल सेल्स हो चुका है, जब एक्चुअल सेल्स हो चुका है तो अब लॉस जो भी होगा वो किसका हो गया, बायर का, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, बायर को ओनरशिप मिल जाती है। और सेकेंड वाले केस में अभी ओनरशिप तो मिली नहीं है, तो जो भी लॉस होगा वो किसका हो जाएगा, वहां पे सेलर का हो जाएगा। आया समझ में, बताओ? यस मैम। कहीं डाउट किसी को, कहीं पे भी कोई डाउट? टॉपिक इजी है कि टफ लग रहा है? बार्टर क्या है, बार्टर सिस्टम सुना है मैम? जब किसी के बदले में सामान के बदले सामान जब देते थे, पहले पहले जब ना करेंसी नहीं होती थी है ना, या कोई उसका एग्जैक्ट पता नहीं था वैल्यू, तब लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे ना, बार्टर सिस्टम, गुड्स को एक्सचेंज करते थे। जिसके पास राइस है तो वो राइस दे के सामने वाले से, जो उसको नीड होगा वीट चाहिए तो वीट ले लेगा, है ना। तो ये सब पहले ऐसे चलता था, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज नोन एज बार्टर डील, है ना। तो अ सेल इम्प्लाइज रीइंबर्समेंट फॉर गुड्स सोल्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो इन दिस केस बार्टर डील इज नॉट अ सेल। तो क्या बार्टर में तो अपन क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, तो क्या वो डील हो गई क्या एक तरीके से? नहीं हुई ना, तो यानी वो सेल नहीं कहलाएगी। सेल वर्सेस गिफ्ट, देखो गिफ्ट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस। देखो ये क्यों बता रहा है आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी गिफ्ट मिलते हैं ना अपने को, गुड्स मिलते हैं कि नहीं? Yes, लेकिन उसको रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, वो किसके होते हैं, जिसको गिफ्ट मिला, है कि नहीं? या सामने वाले के लिए कोई एक्सपेंस होता है क्या उसके लिए? नहीं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक। तो वो जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके लिए वो प्राइस पे करता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्राइस इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए गिफ्ट कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, सेल वर्सेस बेलमेंट। ये सब देखो इसलिए बता रहे हैं, तुम लोग बोल रहे हो ना कि मैडम क्यों गिफ्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हुआ होगा, कभी किसी को कोई गिफ्ट मिला होगा और सामने वाले ने उसके ऊपर केस कर दिया होगा कि इसने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, पहले ऐसे होते थे। आ रहे समझ में? तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया
कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ही हम सामने वाले के ऊपर केस कर सकते हैं, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट की सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसके लिए सामने वाले को प्राइस पे करना पड़ेगा। तो जब आपको गिफ्ट रिसीव्ड किया आपने, तो आपने कोई प्राइस तो पे किया नहीं उसके लिए, ना ही एक्सपेंस, तो आपको जैसे मिला आपको उसको एज इट इज ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यस मैम। नेक्स्ट देखो, सेल वर्सेस बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट आप लोग बता सकते हो मुझे क्या होता है बेलमेंट? वो बेली को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कुछ अपने गुड्स कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, या फिर जब अपन रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं या फिर टेलरिंग के लिए दे रहे हैं ना, तो उसके पास हमारे गुड्स होते हैं। तो बेलमेंट और सेल दोनों क्या चीज है? अलग चीज है। बेलमेंट में हम पोजेशन ऑफ गुड्स तो देते हैं बट ओनरशिप नहीं देते। देते हैं क्या अपनी ओनरशिप बेलमेंट में? नहीं देते हैं। क्या देते हैं उसमें? पोजेशन राइट्स देते हैं, मतलब रखने का राइट देते हैं, बट जो ओनरशिप राइट्स हैं वो नहीं देते हैं, ठीक। और सेल में जस्ट क्या होता है, पोजेशन भी मिलेगा और ओनरशिप भी। आ रहे समझ में सबको? बताओ, कहीं डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो जल्दी से। प्रशांत, कोई डाउट है? नो मैम। चलो अब नेक्स्ट देखो। टाइप्स ऑफ गुड्स देखो। टाइप्स ऑफ गुड्स, कितने टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं? देखो बताओ कितने टाइप्स का बता रहा है। एक एग्जिस्टिंग, एक फ्यूचर और कंटिंजेंट, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स बता रहा है आप लोगों को, जेनेरिक पता नहीं क्यों इसमें वो कर रहा है। ये देखो गुड्स थ्री टाइप्स के कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकेंड फ्यूचर गुड्स, और तीसरा कंटिंजेंट गुड्स। आपके जो बुक में क्या करेगा वो, जो स्पेसिफिक गुड्स है ए है ना, और जो बी है जेनेरिक गुड्स के बदले वो क्या एक्सप्लेन करेगा पता है? बी और सी में डालेगा एसर्टेन्ड गुड्स, और सी में डाल देगा अनएसर्टेन्ड गुड्स, ये किसका पार्ट बता रहा है? वो एग्जिस्टिंग का। आ रहे समझ में? किसका पार्ट बता रहा है वो? एग्जिस्टिंग का। कुछ आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूं? मैम एग्जिस्टिंग के चार टाइप्स हैं। तीन है बेटा, वही तो बता रही हूं। देखो एरो दिख रहा है आप लोगों को, मैंने ड्रॉ किया है इसमें। यस मैम। देखो ये देखो, तो आपके बुक में क्या किया है इसने, ये वाले को हटा दिया, ठीक। तो एग्जिस्टिंग को ए में क्या दिया है? स्पेसिफिक। बी में दिया है एसर्टेन्ड, और सी में दिया है अनएसर्टेन्ड। अब आया समझ में? यस मैम। देखो ये जेनेरिक, ये हटा देना, ये जेनेरिक गुड्स क्या करना है इसको कुछ मत लिखना तुम लोग। अब देखो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो एट द टाइम ऑफ जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है ना, सेलर के पास बायर गया है खरीदने के लिए और वहां पर वो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है एग्जिस्टिंग गुड्स, तो वो कौन से गुड्स हो गए? ये एग्जिस्टिंग गुड्स में आएगा। सपोज अगर कोई एक्स है, वो टीवी मैन्युफैक्चरर्स करता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है? टीवी। टीवी है ना। वाई उसके पास लेने गया है, कितनी टीवी चाहिए उसको? 10 टीवी चाहिए। किसको? वाई के पास। तो ऑब्वियस है ना वो उसके पास रहेंगी, ठीक, तो जाएगा और वो से ले लेगा।
अब एग्जिस्टिंग गुड्स में देखो पहला काइंड क्या दिया है, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स में क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है हम उसमें मेंशन करेंगे कि हमको इसी वैरायटी का और इसी ब्रांड का ही हमको ये वाला गुड्स चाहिए, तो वो कौन सा गुड्स कहलाएगा, स्पेसिफिक गुड्स। ठीक, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि हमको कार चाहिए इस मॉडल की, बाइसाइकिल चाहिए इसी कंपनी की, या चेयर्स चाहिए या रेफ्रिजरेटर चाहिए, ये सब हमको इसी कंपनी के ही चाहिए, स्पेसिफिकली जब उसमें मेंशन करेंगे तो वो कौन से गुड्स कहलाते हैं, अपने स्पेसिफिक गुड्स कहलाएंगे। पूरा इसमें मॉडल, मॉडल नंबर सब कुछ अपन क्या करते हैं, इसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट देखो, असर्टेन गुड्स क्या होता है, जब हमने सपोज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या किया है, साइन किया है, और उस समय हमको, और हम हैवी में मतलब बल्क में ले रहे हैं चीज़ों को, हमको ना क्वांटिटी नहीं पता है कि हम कितनी क्वांटिटी में परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसकी जब हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हैं हम, फिर क्वांटिटी कितनी हमको लगेगी वो हम डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक, और फिर उतना उस सेल्स के लिए उसको साइड करके रखते हैं, तो वो कौन से गुड्स कहलाते हैं, एसर्टेन्ड गुड्स। अनएसर्टेन्ड जैसे क्या होगा, सपोज सामने वाला बोलेगा कि मेरे को 50 बैग्स ऑफ राइस चाहिए, ठीक। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो सामने वाले ने ना आइडेंटिफाई नहीं किया है कि उसको कौन सी क्वालिटी की चाहिए, बस अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बना है कि 50 बैग्स ऑफ राइस, राइस में भी कौन सी कैटेगरी वैरायटी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, अनएसर्टेन्ड। और एसर्टेन्ड में क्या हो जाएगा, जब हम कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा तब हम उस समय डिसाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनने के जस्ट बाद का जो हम क्वांटिटी आइडेंटिफाई करते हैं वो किस में आ जाता है, एसर्टेन्ड में। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, फ्यूचर गुड्स वो क्या होंगे, जो इन फ्यूचर के लिए, जिसका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं आया है, फ्यूचर गुड्स या तो अभी मैन्युफैक्चर होना बाकी है, प्रोड्यूस्ड होना बाकी है, ठीक है, और एक्वायर्ड होना बाकी है, किसके द्वारा, बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उस समय वो गुड्स का अभी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक। सपोज एग्रीकल्चर और फार्मर्स वाला ले लो और होलसेलर्स ले लो, ठीक, तो फार्मर्स से लेने हैं इनको शुगर केन, तो उसको बोलता है कि आपकी फील्ड में मतलब आपके खेत में जितना भी शुगर केन आया वो आप मुझे सेल करना, ठीक, आ रहा है समझ में। या अगर आपके पास शिप है तो उसमें से जितना भी वूल होगा वो आप मुझे देंगे और वो लोग एक प्राइस एग्री कर लेते हैं, तो वो कौन से गुड्स हो जाएंगे, फ्यूचर गुड्स, ठीक। कंटिंजेंट गुड्स क्या होगा, ऐसा गुड्स जिसका एक्विजिशन मतलब जिसका एक्वायर वो किसी इवेंट पे डिपेंड करेगा, अनसर्टेन इवेंट पे, मैंने बताया है ऑलरेडी आपको कंटिंजेंट, जहां पे कंटिंजेंट वर्ड आएगा वहां पे कौन सा वर्ड आएगा, अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड रहेगी, एक फ्यूचर सिचुएशन पे डिपेंड है ना, फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर ऑकरेंस ऑफ इवेंट, बताया था मैंने आपको ये, ठीक। जैसे सामने वाला उसको बोलेगा कि मेरे को एक ब्लू सैफायर स्टोन चाहिए या नीलम, ठीक, तो सामने वाला उसको वो तभी देगा ना बना के जब वो मार्केट में अवेलेबल होगा। नीलम जैसी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती हैं क्या, नहीं, सामने वाले को उसके लिए दूसरे स्टेट्स जाना पड़ता है, तो वहां पे अगर उसको मिला तो वो उसके लिए परचेज करके लाएगा और सामने वाले को वो सेल करेगा।